भी अच्छा लगेगा. सो द थिंग इज हेयर टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस. परसिस्टेंस की बहुत बातें हो चुकी हैं, बट लेट मी टेल यू, परसिस्टेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी चीज में लगे हैं और लगे हैं और लगे हैं और लगे हैं और लगे हैं जब तक कि वो मिल नहीं जाती. दैट्स इट. लेकिन इससे पहले का स्टेप मिस कर जाते हैं लोग. परसिस्टेंस में आप लगे क्यों रहोगे उसमें? अगर आपको वो चीज अच्छी नहीं लगी तो क्यों लगे रहोगे आप उसमें? इट मींस उससे पहले आपका पैशन डेवलप होना जरूरी है. अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो तो आप उस चीज में कुछ भी कर लोगे, और अगर उस चीज में पैशनेट नहीं हो तो कोई कितने जोर लगा ले आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर. सो परसिस्टेंस कहां काम करता है? अगर मैं किसी को बोलूं कि जी आपने ये जगह है इसको खोदते जाओ और भरते जाओ, फिर खोदो फिर भर दो, आपको डेढ़ महीने बाद हम 50,000 रुपए दे देंगे, आप में से कितने लोग तैयार हो जाओगे? हो जाओ, 50,000 रुपए मिल रहे हैं, डेढ़ महीने तो लगेगा खोदना भरने में, तो क्या करना है? हाउ मेनी ऑफ यू नहीं खुद ही खोद रहे? ये सही है, बहुत सही किया इन्होंने, नेटवर्क मार्केटिंग फंडा बनाया, चार बंदे लगाए, तुम खोदो भैया मैं दूसरी जगह जाता हूं, मैं खुदवाता हूं, सारा हिंदुस्तान खुदवा देंगे. आंसर दीजिएगा, जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस चीज को समझता नहीं है. राइट, आपका लाइफ में पैशन क्या है? स्टॉप, आपका लाइफ में पैशन क्या है? आपका लाइफ में पैशन क्या है सर? दूसरों का मदद करना. आपका सर? माइक पे बोलूं ऐसे? माइक पे बोलिए. ये पैशन डेवलप हो चुका है. सर, शहीद भगत सिंह का नाम सारी दुनिया जानती है, वो शायद देश के लिए मरे थे. हेलो. हाँ चल रहा है. हाँ बोल. शहीद भगत सिंह का नाम सारी दुनिया जानती है कि वो देश के लिए मरे थे. मेरा सपना इतना ही कि जब मैं मरूं तो मेरे गली मोहल्ले वाले जाने के कोई देश के लिए मर गया. गुड, दैट्स गुड. पैशन सर, आप भी माइक पे बोले, जो भी आपने बोला माइक पे बोला. पैशन क्या है? मेरा भी सपना है कि मैं दूसरों के लिए कुछ ऐसा करूं कि कल मेरे रहने ना रहने पे भी लोग मेरा नाम ले. सर, मैं भी ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मतलब मेरे बाद में लोग मुझे याद रखें और मैं भी दूसरे मतलब इस टाइम किसी काम आ सकूं. बहुत बढ़िया. अपने साथ वाले आगे बढ़ जाए, बस यही मेरा पैशन है. वेरी गुड, प्लीज टेक योर सीट.